Hi, good morning. Namaste. So I will speak for about 30, 40 minutes. And maybe after that we can do question answer session. I always enjoy question answers. To usme maja aata hai. I will begin first by, you know, before I jump into the topic, I always like to begin by helping people understand this word mythology. Ye jo shabd hai, mythology, kuch logon ko acha lagta hai, kuch logon ko bura lagta hai, to isko samajhne ke liye. It's very important, you know, words are very important. Log mujhe poochte hain ki aise, aap ise Hindi mein kaise samjhaoge? What do you call mythology in Hindi? And the Hindi word for, the best word that I have found, it's a phrase actually, it's Akhyan Shastra. आख्यानों का शास्त्र एक व्याख्यान होता है कमेंट्री और एक आख्यान होता है विच इज स्टोरी टेलिंग एंड मिथोलॉजी इज बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड स्टोरी टेलिंग या तो ये मिथोलॉजी शब्द पहले देखते हैं ये क्या होता है कि नाउ व्हेन मोस्ट पीपल यूज द वर्ड मिथोलॉजी दे आर स्टिल स्टक इन द 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में अटके हुए हैं लेकिन हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और समय के साथ शब्दों का अर्थ बदलता है अर्थ सेम नहीं रहता लेट मी एक्सप्लेन दिस 200 साल पहले अगर मैं इंग्लिश शब्द गे इस्तेमाल करता जी ए वाई उसका मतलब है आप एक हैप्पी पर्सन यू आर अ हैप्पी पर्सन तो स्कूल में गाना होता था एक इफ यू आर हैप्पी एंड यू आर गे क्लैप योर हैंड्स स्कूल में हम स्कूल में थे तो हमको पढ़ाते थे ये इफ यू आर हैप्पी एंड यू आर गे क्लैप योर हैंड्स आज अगर आप ये पढ़ाओगे तो टीचर और पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि गे शब्द का अर्थ बदल गया है इन द लास्ट 20-30 ईयर्स द वर्ड गे हैज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग इट रिफर्स टू अ मेल होमोसेक्सुअल तो शब्द वही है अगर आप 19वीं शताब्दी की किताब पढ़ें और 21वीं शताब्दी वही शब्द का अर्थ अलग होता है That is true for other words. जैसे न्याय शब्द हम इस्तेमाल करते हैं Today, when we use the word न्याय उसका अर्थ है जस्टिस लेकिन 2000 साल पहले जब न्याय शास्त्र की बात होती थी they didn't mean justice, they meant logic. न्याय शब्द संस्कृत में जब इस्तेमाल होता था 2000 साल पहले इसका अर्थ था लॉजिक आज जब हम हिंदी में न्याय शब्द इस्तेमाल करते हैं वी मीन जस्टिस भाषा भी बदली अर्थ भी बदला सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ वर्ड्स मैं शब्दों को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं सो मिथोलॉजी शब्द 19वीं शताब्दी में इसका यह मतलब था कि जो विश्वास जो झूठ है That was the 19th century. तो ये आदि जो वनवासी लोगों का विश्वास है जो नॉन यूरोपियन है उनके विश्वास को रिजेक्ट करने का एक तरीका था सो अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये शब्द इस्तेमाल होता था लेकिन 21वीं शताब्दी में इसका अर्थ बहुत अलग है इसका मतलब है एक सामाजिक सत्य जो कहानियों के माध्यम से व्यक्त होता है A cultural truth that is expressed through storytelling. कहानी बहुत जरूरी है कहानी के बिना आप मिथोलॉजी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो ये शब्द इसमें कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है तो भारतीय संस्कृति में कहानियों ज्यादातर हमारी लोक कथाएं हैं लेकिन जब हम मिथोलॉजी शब्द इस्तेमाल करते हैं हम वो शब्द इस्तेमाल करते हैं जब ये समाज का एक सत्य दर्शाता है समाज का एक सत्य दर्शाता है फॉर एग्जाम्पल भारतीय परंपरा में यह विश्वास है कि समय का ना शुरुआत है ना अंत है सो अनादि और अनंत शब्द आता है तो जब कहानियां होती है तो कहेंगे कि द युग के बाद इसके पहले भी हुआ था तो अगर आप रामायण की एक स्टोरी मैं एक्सप्लेन करता हूं एक कहानी जिससे आपको पता चलेगा कैसे आख्यान होता है तो ये कहानी है कि राम जी एक बार बैठे थे अपने सिंहासन में अयोध्या में तो यमराज आके कहते हैं कि राम जी आपका समय खत्म हो गया है अभी आपका
मृत्यु का व्यक्त आ गया है तो मैं यमराज हूं लेकिन आपको मैं ले नहीं सकता यमलोक क्योंकि हनुमान मुझे अंदर नाने नहीं लेता. ही डजंट लेट मी एंटर अयोध्या. तो राम जी कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम खत्म हो गया, मैं यमलोक जाने को तैयार हूं, हनुमान को मैं भिजवा देता हूं कहीं. तो वो अपने हाथ से एक मुद्रिका निकालते हैं और जमीन पर डालते हैं और हनुमान को बुलाते हैं जो अयोध्या का जो गेट है वहां पर खड़े हुए हैं. एंड ही टेल्स हिम कि हनुमान जी वो मेरी मुद्रिका नीचे गिर गई, उसे उठा लीजिए. तो हनुमान जी ढूंढते हैं मुद्रिका कहाँ है, उनको मुद्रिका दिखाई नहीं देती. तो देखता है कि एक गैप है फ्लोर के ऊपर, एक गैप है, उस गैप के अंदर वो मुद्रिका चली गई है. तो ही गोज इन टू दिस गैप और धीरे 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 करके गोज सो डीप इन टू द गैप दैट ही रीचेज पाताल लोक, उसके बाद नागलोक. और नागलोक में जाते हैं तो वहाँ पर वासुकी राजा बैठे हुए हैं और वो वासुकी राजा से मिलते हैं और कहते हैं कि ये नागलोक है, यहाँ पे राम की मुद्रिका आपको मिली है. तो वासुकी जी कहते हैं हाँ हाँ, उस पहाड़ के ऊपर है, नागलोक में एक पहाड़ है, वो पहाड़ की तरफ जाओ, वहाँ पे तुम्हें मुद्रिका मिल जाएगी. जब वो पहाड़ के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो पहाड़ नहीं है, वो मुद्रिकाओं का पहाड़ है और हर मुद्रिका एक जैसे दिखता है और हर मुद्रिका राम जी की मुद्रिका है. और वो देखते हैं और जाके वासुकी जी को कहते हैं इसका मतलब मुझे समझ में नहीं है, इतनी मुद्रिकाएं, ये कलेक्शन कहाँ से आया. और वो कहते हैं देखो हर युग में एक राम होता है और जब राम की बेला समाप्त होती है तो उनकी मुद्रिका भूलोक से नागलोक में आती है और उसके पीछे एक हनुमान आता है और जब हनुमान नीचे आता है तो राम जी वहां से वैकुंठ चलते हैं और वापस एक युग की शुरुआत होती है और युग जब शुरुआत होती है तो वापस राम जी आएंगे और वापस जब वो वन में रहेंगे हनुमान उनको मिलेंगे और वापस ये शुरू होता रहेगा. ये सिलसिला खत्म ही नहीं होगा क्योंकि ये अनादि है और अनंत है. इसका ना शुरुआत है ना अंत है. तो कहानियों के माध्यम से वो एक संकल्पना और कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं जो भारतीय परंपरा की संकल्पना है, हमारी पहचान है. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अनादि और अनंत और कोई परंपरा में नहीं दिखाई देगा. इफ यू रीड द ग्रीक फिलोसोफर्स वेदर इट्स एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, यू नो, जिसको हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं इन वेस्टर्न फिलोसफी, उनका विश्वास था कि द वर्ल्ड इज फाइनाइट. उनको अनंत शब्द से घृणा था. एवरीथिंग इज फाइनाइट, एवरीथिंग इज कंट्रोलेबल, एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल, इट इज अ क्लोज्ड इकोसिस्टम. अनंत शब्द, अनादि शब्द वो पसंद ही नहीं करते थे. तो अगर आप ग्रीक मिथोलॉजी की कहानियां सुने वहां पे अनंत और आदि बात होती ही नहीं है. हमेशा शुरुआत और अंत की बात होती है. अगर आप बाइबल पढ़ो तो वहां पे एक बिगिनिंग होता है, क्रिएशन, जेनेसिस, और एक एंड होता है, कयामत, एपोकलिप्स, एक शुरुआत और एक अंत. ये जो सामाजिक संकल्पना है, अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अ कल्चर, कहानियों के माध्यम से थ्रू स्टोरी टेलिंग इट इज बीइंग कम्युनिकेटेड. इसे हम आख्यान कहते हैं और इसकी पढ़ाई जब हम करते हैं उसे आख्यान शास्त्र कहते हैं. तो हमारे परंपरा में विश्वास को कहां पे लोकेट किया गया है, ये शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं विश्वास, तो आपको ये सामाजिक सल्क, इट्स अ कल्चरल कॉन्सेप्ट. क्या विश्वास वही है, सब दुनिया में विश्वास को एक तरह देखते हैं? विश्वास का विश्लेषण कैसे हुआ है? हाउ हैव यू थॉट अबाउट इट? लोगों का विचार क्या है ये विश्वास शब्द को लेके? व्हाई इज इट एन इंपॉर्टेंट वर्ड? अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस, तो विश्वास शब्द अच्छा नहीं है. एक वैज्ञानिक के लिए विश्वास को वो दूर रखता है, वो अविश्वास से काम करता है. साइंस इज बेस्ड ऑन डाउट, ऑन स्केप्टिसिज्म, प्रश्न पूछना, प्रमाण मांगना. जो विज्ञान की दुनिया है यहां पे आप विश्वास नहीं करते. जो न्यायाधीश होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो विश्वास से काम नहीं करता. ही विल से मुझे प्रमाण दो, आई विल ओनली लुक एट एविडेंस, आई विल ओनली लुक एट लॉ एंड आई विल वर्क विद दिस.
ही इज ऑलवेज डाउट. उसके सामने बोलेंगे सर आई एम गिल्टी और आई एम नॉट गिल्टी. इज हाँ हाँ लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए. तो जो जज होता है वो विश्वास यूज नहीं करता. ये सोचने का तरीका अलग है. जो वैज्ञानिक होता है आप नहीं कह सकते ये विश्वास करो. ये दुकान में हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि विश्वास करो ये 10 किलो है. सर नहीं ना उसका वेट करो. आई वॉन्ट टू वेट एंड चेक इट. मेजरमेंट मापदंड की दुनिया ये विज्ञान की दुनिया है. प्रमाण की दुनिया है. आपके कंपनी में एक ऑडिटर ऑडिट डिपार्टमेंट होगा. इंटरनल ऑडिटर होगा एक्सटर्नल ऑडिटर होगा गवर्नमेंट रेगुलेटर होगा. विश्वास की दुनिया में इनका कोई जॉब नहीं होगा क्योंकि विश्वास करते हैं आपका फाइल जो भी किया है वो सही होगा. जो बिल आपने दिया है वो सही होगा. मैं चेक क्यों करूं. तो फिर वो अटैचमेंट देना नहीं पड़ता आपके बिल का. लेकिन देना पड़ता है. इसको प्रोसेस बोलते हैं. इसके बिना कॉरपोरेशन नहीं चलेगी. ये विज्ञान की दुनिया है. आई डोंट हेट यू आई डोंट लव यू आई डोंट. इसका कोई आपका मॉरल वैल्यू नहीं है. मैं केवल प्रमाण को देखता हूं. ये सोचने का तरीका एक इसको वैज्ञानिक तरीका कहेंगे. इट्स अ साइंटिफिक मेथड विच इज बेस्ड ऑन डाउट एंड स्केप्टिसिज्म. और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हम हमेशा क्वेश्चन करते रहे. आज भी जितना नॉलेज अगर मुझे कुछ नया मिले तो ये नॉलेज बदलेगा. नथिंग इज परफेक्ट. साइंस की दुनिया कभी अटकती नहीं है. वो हमेशा कंटिन्यूसली एक्सपैंड होता रहता है. कुछ नया से देखने को मिलेगा. न्यू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स विल क्रिएट न्यू सोर्सेज ऑफ नॉलेज. सो फॉर द लास्ट 500 ये जो एक सोचने का तरीका है अविश्वास से होता है. इसे मोटा मोटी हम उसको साइंस की दुनिया कहते हैं विज्ञान की दुनिया कहते हैं. लेकिन उसके दूसरे तरफ विश्वास की दुनिया होती है. ये मनुष्य के बीच होता है. हमको कोई अविश्वास से देखता है हमें बहुत बुरा लगता है. We don't like it. When you're submitting your expense statement to the finance department, अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें विश्वास नहीं कि तुम्हें लगता मैंने चोरी किया है. लेकिन जो finance department है वो बोलेगा भैया मेरा job है. I have to cross check and cross check. This process है आपको भरना पड़ेगा. It doesn't mean you're good or bad. I am just following process. Accountants के देवता हमारे पुराणों में यमराज होते हैं. यमराज आपसे प्यार नहीं करता. वो केवल हिसाब किताब देखता है. यमराज प्यार नहीं समझता. वो कहता है कि भैया तेरा समय हो गया फिनिश्ड. आप यू हैव सबमिटेड लेट नॉट हैपनिंग. वो प्यार नहीं कर सकता. यमराज को इसलिए धर्मराज कहा गया है बिकॉज ही इज नॉट ही डजेंट लव यू ही डजेंट हेट यू ही जस्ट फॉलोज द सिस्टम. और उसका प्रमाण होता है. न्यायाधीश का रोल होता है. हाथ में डंडा होता है. हाथ में पाश होता है. वेरी ब्रूटल लुकिंग गॉड बट डजेंट लव और हेट. यमराज की दुनिया अविश्वास की दुनिया. वो आपकी बात नहीं सुनता. वो सिर्फ रिकॉर्ड्स देखता है डेटा देखता है. आपको वो ही डजेंट से कि राजा संत है कुछ फर्क नहीं पड़ता. बोलते नहीं संत होगा. पता नहीं उसका मतलब क्या है. उसका डेफिनेशन दीजिए उसका रेफरेंस दीजिए अटैचमेंट दिखाओ. अच्छा ठीक है एज पर द डेटा अवेलेबल यू आर अ संत. दैट्स ऑल. ऐसा एक व्यक्ति है वो यमराज होता है. यमराज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास और एक देवता है जिनका नाम है कामदेव. कामदेव यमराज से बहुत अलग होते हैं. सुंदर होते हैं नाचते हैं गाते हैं मन मोहते हैं. उनके हाथ में धनुष होता है जो मेड ऑफ शुगर केन एंड हिज बो स्ट्रिंग इज मेड ऑफ बीज एंड बटरफ्लाइज एंड हिज एरोज आर मेड ऑफ फ्लावर्स. वो प्यार की दुनिया होती है. वो हमेशा विश्वास की बात करते हैं. दिल लग जाता है यू गेट लव स्ट्रक और वो दिल तोड़ते भी हैं. और वो हमेशा कहेंगे मुझे प्यार करता है ना मुझे विश्वास करता है ना. ये यमराज की दुनिया ये कामदेव की दुनिया है. उनके पास तोता है. ही इज अप्सराओं के साथ चारों तरफ अप्सराएं हैं गंधर्व है. ये प्यार की दुनिया है. ये विश्वास की अच्छा लगता है ये दुनिया. मैनेजमेंट में अगर बोलूं तो कामदेव की जो दुनिया है इज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन.
It's a PowerPoint presentation, right? Images hote hain, bahut sundar dikhta hai, video hota hai, sound hota hai, marketing department ko bahut pasand hota hai. Yamraj ki jo duniya hai is an Excel sheet. It's a boring Excel sheet. There's no color. Sirf number, 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 attachment, attachment, references. So Excel sheet ke bina business nahi hoga. Lekin PowerPoint ke bina bhi business nahi hoga. Dono chahiye successful business ke liye. Ek ko pakad loge aur usse business chalaoge to problem hoga. To brand ke liye hamein PowerPoint presentation chahiye. लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर करने के लिए हमें एक्सेल शीट चाहिए. अगर आप कंपनी को प्यार करते हो तो आप उसकी एडवर्टाइजिंग देखते हो, लेकिन अगर उसमें पैसा डालना है तो आप बैलेंस शीट चेक करते हो. दोनों चाहिए, यमराज और कामदेव, दोनों चाहिए. You cannot live in, we want people to trust us, but they will only trust us when our processes are robust. But only if your processes are robust, it is a boring place. Achha nahi lagta. Wo dil ko nahi chuta hai. It has to connect. Kamdev aur Yamraj dono Vishnu ke swaroop hai. Dono ko Vishnu ka swaroop kaha gaya hai. तो विष्णु में अगर आप विष्णु की मूर्ति देखें, दोनों गुण उनके अंदर होते हैं. तो विष्णु के हाथ में, जैसे हम जब कहेंगे विष्णु इज चतुर्भुज, ही हैज फोर हैंड्स. अभी फोर हैंड्स को आप बोलोगे कि अरे ये वैज्ञानिक में चार हाथ किसी को होता है क्या? अरे ये विज्ञान की दुनिया नहीं है, ये कविता की दुनिया है. ये एक संकल्पना, अ कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू आख्यान. कि एक देवता है जिसके चार हाथ है, चतुर्भुज है, उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म है. ये कॉन्सेप्ट्स हैं. शंख है, शंख का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, जिससे आप कम्युनिकेट करते हो लोगों के साथ, शंख. तो ये मैनेज आप, योर अ कंपनी, यू नो दैट कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉयज, कम्युनिकेशन टू कस्टमर्स, कम्युनिकेशन टू शेयर होल्डर्स. कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं होगी. शंख है, उसके बगल में चक्र है. चक्र का मतलब क्या है? गोल 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 फिरता है सब जगह, गोल गोल. और मैनेजमेंट में गोल गोल क्या फिरता है? रिव्यू. रिव्यू होता रहता है ना, हर मंडे को रिव्यू होगा, फॉर्टनाइटली रिव्यू होगा, मंथली रिव्यू होगा, क्वार्टरली रिव्यू होगा, हाफ ईयरली रिव्यू होगा. कुछ काम नहीं होगा तो रिव्यू करेंगे. तो शंख, केवल शंख से काम नहीं होता, रिव्यू भी चाहिए. कम्युनिकेशन एंड रिव्यू. रिव्यू के साथ होता है गदा और पद्म. गदा इज डिसिप्लिनरी एक्शन and padma is reward and recognition. ye manage project management ke char hi rule hai na, communicate, review, reward, recognize or discipline. ye vishnu ke char chaturbhuj hai. abhi ise kaam, kamdev aur yamraj ke roop ke point of view se dekhiye. ye charo cheeze se pasand kya hai logon ko? logon ko shankh bahut pasand hai. baat karte raho, karte raho, karte, no problem. और रिवॉर्ड और रिकग्निशन बहुत पसंद है. तो शंख और पद्म बहुत पसंद है. ये कामदेव के स्वरूप है कि शंख बजाते रहो और कमल देते रहो. प्लीज नो पॉलिटिकल मीनिंग्स. ये मैं आख्यान शास्त्र, ये राजनीति नहीं है, राजधर्म नहीं है. दूसरी तरफ है, लेकिन क्या पसंद नहीं है? रिव्यू किसी को पसंद नहीं है. हां, अगर आप बॉस हो तो रिव्यू में बहुत आनंद मिलता है, लेकिन अगर आप बॉस नहीं हो तो रिव्यू बिल्कुल, वो पहिया अच्छा नहीं लगता. रिव्यू रिव्यू रिव्यू. और गदा तो किसी को नहीं पसंद है, डिसिप्लिनरी एक्शन. लेकिन ये दो यमराज के फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं.
ये दोनों जब रहेंगे, चार, देखिए चार रूप में ये बात को व्यक्त कर रहे हैं, विश्वास और विज्ञान की दुनिया, विश्वास और अविश्वास की दुनिया. दे विल ऑलवेज बी, एक जगह फेथ होता है, एक जगह डाउट होता है. लाइफ में दोनों चीज चाहिए. और किसके ऊपर, अगर आप ज्यादा विज्ञान के तरफ जाओ, वैज्ञानिक सोच ज्यादा लाओ, तो प्यार नहीं होगा उस दुनिया में, ट्रांजैक्शन होगा, केवल ट्रांजैक्शन होगा. बिकॉज वो दिल को नहीं छूता है. रिव्यू प्रोसेस, डिसिप्लिनरी एक्शन नेवर क्रिएट्स अ गुड सोसाइटी, नेवर क्रिएट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, नेवर क्रिएट्स अ गुड टीम, नेवर क्रिएट्स अ गुड फैमिली. फैमिली में अगर हमेशा रिव्यू और डिसिप्लिन होता रहेगा, यू डोंट टॉक टू योर पेरेंट्स जो हमेशा डिसिप्लिन करते रहते हैं ना, मन नहीं लगता है, डांटते हैं हमेशा, डांटना 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 किसी को पसंद नहीं. उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें शंख चाहिए. 90% ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कोलैप्स क्यों करता है, हमारे साथ कोई बात ही नहीं करता. ये शंख की दुनिया, पद्म की दुनिया, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, एप्रिसिएशन. इस तरफ ज्यादा जाएंगे तो यहां पे प्रॉब्लम होगा, इस तरफ ज्यादा जाएंगे तो यहां पे प्रॉब्लम होगा. बैलेंस तो हमेशा चाहिए. और यही बातें रिपीटेडली शास्त्रों में बताया जाता है. दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट वेज. ये कहानियों के माध्यम से बता रहे हैं कि देखो सोचने का एक तरीका होता है. व्हाट मैटर्स इन लाइफ, व्हाट डजंट मैटर इन लाइफ. विश्वास इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वहां पे आप जितना भी, इसलिए भक्ति, भक्ति बिकम्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया कि भगवान के ऊपर विश्वास रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन वो एक भक्ति योग है, उसको बैलेंस करने के लिए कर्म योग भी है. भैया कर्म तो करना पड़ेगा. एंड ज्ञान योग इज द एबिलिटी टू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि कब इमोशंस चाहिए, कब एक्शन चाहिए. इमोशन एक्शन, इमोशन एक्शन, इट हैज टू बी देयर. वन विदाउट द अदर, पीपल ट्रस्ट यू बिकॉज, और दैट इज द थिंग यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. एंड ओनली अ सिस्टमैटिक, एंड दीज टू थिंग्स आर देयर रिपीटेडली इन इंडियन ट्रेडिशंस. वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, को एक बात को कभी उठाते नहीं है स्ट्रांगली. इसलिए कई देवी देवता होते हैं. हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉडेस, अगर आपको बोलो तो आप लोग कहेंगे कि लक्ष्मी, फिर कोई कहेगा सरस्वती, कोई कहेगा दुर्गा. वो सिचुएशन के हिसाब से होता है ना. जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो लक्ष्मी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर लक्ष्मी अकेली आ गई तो वो अलक्ष्मी के साथ आ जाती है. मतलब घर में कलह होता है, कलह होता है तो फिर आपको आप बोलते हैं सरस्वती चाहिए. भैया मेरे को ये पूजा पाठ करना है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फिलोसफी, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड घर में इतनी लड़ाई क्यों हो रही है. सरस्वती बिकम्स इंपॉर्टेंट, विद्या बिकम्स इंपॉर्टेंट. व्हेन दैट बिकम्स टू मच ऑफ नॉलेज एंड बहुत ज्ञान, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत पंडित्व दिखाने लगे तो फिर मजा नहीं आता है लाइफ में. एंड वॉट इज द यूज ऑफ हैविंग ऑल द मनी इन द वर्ल्ड एंड ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड इफ यू डोंट हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड. फिर दुर्गा ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज पावर नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हो. Without power, you have no agency. क्रिया करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए. So continuously, इतनी देवी देवताओं को क्यों लेके आए हैं? The reason they have brought many gods and goddesses in India is to say, हर देवी देवता एक संकल्पना है, it's a concept. और ये बताने के लिए कि देखो दुनिया is diverse, we are all diverse. मुझे जो चाहिए आपको नहीं चाहिए, जो उसको चाहिए उसको नहीं चाहिए. कुछ लोगों को पैसे चाहिए, कुछ लोगों को ज्ञान चाहिए, कुछ लोगों को पावर चाहिए. समय के साथ भी बदलता है. अगर आप बचपन में, इन यूथ यू आर ऑब्सेस्ड विथ मनी, इन अ डिफरेंट स्टेज यू आर ऑब्सेस्ड विथ नॉलेज, एट अनदर स्टेज यू आर ऑब्सेस्ड विथ पावर. यू कीप चेंजिंग ओवर टाइम. तो कभी कभी मुझे विश्वास चाहिए. सम टाइम्स आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, बट कभी कभी आई वॉन्ट यू टू नो आई एम राइट, विच मीन्स मुझे विज्ञान, आई वॉन्ट प्रमाण. आई ट्रस्ट यू बट आई नीड प्रूफ. दोनों चाहिए. एंड दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कवर रिपीटेडली इन आर स्टोरीज. यू नो ट्रस्ट इज सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग इन स्टोरी टेलिंग. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट,
Why do we want trust is the question we have to ask. Hame vishwas kyun chahiye? You see, in nature, food is scarce. You know, when you go to nature, khana bahut kam hota hai. Jitne bhi jeev jantu hai, wo bhog ke liye daud rahe hai. Everybody is running after resources. Jo charne wala prani hai, जो शिकारी है वो खाने के पीछे दौड़ रहा है तो हमेशा डर होता है कि मेरे पास भोग नहीं मिलेगा मेरे पास भूख है इतना भूख है कि उसके लिए भोग चाहिए ह्यूमंस आर द ओनली क्रीचर्स जहां पे हम खाना परोसते हैं जानवर में खाना परोसा नहीं जाता जानवर खाना एक्सेप्ट अ मदर बर्ड फीड्स द बेबी That is the only time when there is feeding, but there is no reciprocation. The child is not supposed to take care of the parent. There is no reciprocation. Humans are the only creatures who have got used to the fact that mera koi dekhbhal kar sakta hai. Mujhe koi bhog de sakta hai. We have got used to it. But there are no guarantees in life. गारंटी नहीं है हमें वो भी पता है तो एक तरफ हमारे पास एक विचार है कि पीपल विल टेक केयर ऑफ मी बट एट अनदर लेवल वी हैव ऑल्सो डाउट कि नहीं गारंटी नहीं है इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल देर इज नो गारंटी ऑफ पीपल टेकिंग केयर ऑफ यू और इसलिए बहुत इनसिक्योरिटी होती है एंड दिस इज वी आर टोन बिटवीन दीज टू थिंग्स I know that you can help me. आप मुझे help कर सकते हो लेकिन मुझे ये भी पता है कि there is no guarantee that you will help me. तो मैं I don't know how to deal with this insecurity, so I try to control you. मुझे control करना है I want to control you so that I don't have to trust you. I can once I control you, I don't have to trust you. People who don't trust are obsessed with control. जिसको विश्वास नहीं होता वो हमेशा कंट्रोल करता है और विश्वास किसके ऊपर उस सामने वाले के ऊपर या अपने ऊपर एक विश्वास होता है कि आई ट्रस्ट यू दैट यू विल डू द वर्क द अदर इज आई ट्रस्ट माई सेल्फ इवन इफ यू डोंट डू द वर्क आई नो टू मैनेज द सिचुएशन ये अलग प्रकार सो यू आई ट्रस्ट यू But I also trust myself. And therefore, trust is a complex thing. I don't use the word trust mostly. I use the word dependability. Dependability. Are you dependable? Are you independent? Or are you dependent? Three words. I am dependent on you. Which means now, I am completely dependent on you, which means मेरा power नहीं है, power आपके हाथ में है और उससे विश्वासघात होगा तो दिल टूटता है I become dependent on you, I need you to take care of me. मैं लाचार हूं बेबस हूं so I depend on you and therefore trust you. दूसरी बात है I don't want to be dependent, मुझे नहीं चाहिए वो dependence, तो मैं independent हो जाता हूं और ये बात को आख्यान शास्त्र में कैसे प्रस्तुत किया गया है पुराणों में तीन देवता होते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिवजी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती क्यों एक कारण है क्योंकि ब्रह्मा एम्बॉडीज कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि ब्रह्मा इज अ डिपेंडेंट गॉड ही इज ऑलवेज डिपेंडेंट बाहरी दुनिया से सुख प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए दिल टूटता है अटैचमेंट होता है ही इज ऑब्सेस्ड विथ थिंग्स क्लिंग ही वॉन्ट्स टू कंट्रोल बिकॉज देर इज नो गारंटी दुनिया में गारंटी नहीं है गारंटी नहीं तो कंट्रोल करना चाहता है हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है वो इतना इनसिक्योर हो जाता है ही सो डिपेंडेंट दैट ही स्टार्ट्स बींग वेरी कंट्रोलिंग ऐसे देवता की हम पूजा नहीं कर सकते तो फिर हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं नहीं चाहिए ये दुनिया
क्योंकि दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो, लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो, भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो, देवताओं के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो, सब त्यागो, वैराग्य भाव। तो शिव महादेव पहाड़ के ऊपर बैठ के बोलते सब छोड़ो, त्याग दो, दिगंबर, मुझे नहीं चाहिए कुछ, विरक्ति, इंडिपेंडेंस। और वो आंखें बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी मैंने आंख बंद कर ली तो आंखों ही आंखों में प्यार तो नहीं होगा, और तू दिल भी नहीं तोड़ सकता। आई डोंट वॉन्ट इट, लेकिन इससे दुनिया नहीं चलेगी। एक तरफ लोग हैं जो प्यार के लिए ढूंढ रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट, दे वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ देम। ऑन द अदर साइड देर आर पीपल हु हैव जस्ट स्विच्ड ऑफ, नहीं चाहिए, विरक्ति, स्केप्टिक, सिनिकल, विड्रॉन, बैरागी। ये दोनों स्कूल्स के तीसरा स्कूल आता है, तो एक ब्रह्मा का स्कूल हो गया, एक विष्णु शिवजी का स्कूल हो गया, इससे दुनिया नहीं होगी। तो हमेशा जब शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे देवी पहाड़ के ऊपर जाती है और शिवजी को कहती है कि आप प्लीज नीचे आइए, पहाड़ के नीचे आइए, कैलाश पर्वत से काशी आइए। लोगों में कमियां हैं, उनका दर्शन कीजिए, मांगिए मत, डोंट आस्क ट्रस्ट, गिव ट्रस्ट, डोंट आस्क अदर्स टू गिव यू ट्रस्ट, मेक योर सेल्फ ट्रस्टवर्दी एंड हैव द स्ट्रेंथ टू हैंडल द हार्ट ब्रेक। तो वो पहाड़ के नीचे जब आते हैं शिवजी शंकर बनते हैं, तब फिर गृहस्थ जीवन में आते हैं जहां पे गारंटीज आर नॉट देयर, ट्रस्ट इज नॉट देयर, यू वॉन्ट इट, इट इज अ मिक्स, यमराज और कामदेव की दुनिया, नाम और रूप की दुनिया, वहां पे वैकुंठ दुनिया आ जाती है। ये दुनिया बहुत अलग दुनिया है, यहां पे विष्णु को इज नॉट डिपेंडेंट, ही इज डिपेंडेबल, ही डांसेस एंड सिंग्स, बट ही नोज कि ये नश्वर है, ये सब चला जाएगा, अयोध्या एक दिन चला जाएगा, मधुबन एक दिन चला जाएगा, महाभारत की भी समाप्ति होगी, कुछ हमेशा नहीं रहता, अनादि और अनंत है। उनको पूरी दुनिया का ज्ञान है, तो ही इज नॉट डिपेंडेंट, ही इज डिपेंडेबल। सो ब्रह्मा टू शिवा टू विष्णु इज द जर्नी, एक यात्रा है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस टू डिपेंडेबिलिटी। ये एक संकल्पना को उन्होंने कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है पुराणों में। इतनी गूढ़ बातें सरल तरीके से समझने के लिए कि जिंदगी में वी बिगिन आर जर्नी, बचपन में हम सब ब्रह्मा होते हैं, वी आर क्राइंग एंड क्राइंग फॉर फूड, फॉर अटेंशन, फॉर लव, हमको चाहिए, वी वॉन्ट, वी डोंट वॉन्ट टू, वी जस्ट वॉन्ट टू वॉन्ट वॉन्ट वॉन्ट। फिर जब टीनेज ईयर्स आता है तो एक विरक्ति आ जाती है कि लाइफ ब्रेक्स योर हार्ट, जो चाहते हैं मिलता नहीं है आसानी से। कोई कहता है काम करो, मेरिटोक्रेसी, कोई कहता है नेपोटिज्म, कोई कहता है उसको हेल्प करो, ये देर आर नो गारंटीज। दिल टूटता है, पर्सनल लाइफ में सक्सेस होता है लेकिन प्रोफेशनल में नहीं होता है, प्रोफेशनल में सक्सेस होता है पर्सनल में नहीं होता है। ट्रॉमा, बहुत ट्रॉमा होता है, शाम के समय सोमपान से हम उसे भूलना चाहते हैं, और फिर शिवजी के जैसे गुरुजी के पास दौड़ते हैं, गुरुजी के पास कि हमको इससे उपाय दो, और गुरुजी का काम है आपको इंडिपेंडेंट बनाना। या फिर वो आश्रम में जाके हम भूल जाते दुनिया को कि नहीं मुझे नहीं देखना है बाहर की दुनिया, लेकिन फिर धीरे 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 करके वो ये जो रणभूमि है, रणभूमि से हम रंगभूमि की तरफ जाते हैं, रंगभूमि में जाते हैं तो उसमें मुझे अपने ऊपर विश्वास है। This transformation takes place and I am kinder and I have empathy, सहानुभूति है, आत्मीयता है कि सामने वाले की insecurity मुझे दिखाई देता है और उनके साथ deal कैसे करना है वो रामायण महाभारत में दिखाते हैं कि जिसको पूरी दुनिया का ज्ञान है वो अज्ञानी के साथ बात कैसे करता है प्यार से या टीचर के जैसे, क्योंकि अज्ञानी तो अज्ञानी है ना। How will Krishna deal with the word avatar is so powerful? I always tell people, the avatar is not a superhero. Superhero is a Hollywood concept. An ordinary man who becomes extraordinary.
अवतार इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हु बिकम्स ऑर्डिनरी. जिसको अनंत का ज्ञान है, अनादि का ज्ञान है, वो आपके साथ कैसे बात करेगा, आपका उद्धार कैसे करेगा, ताकि आप डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस टू डिपेंडेबिलिटी की यात्रा आपकी कैसे होगी. कि हमारे भीतर का जो ब्रह्मा था बचपन का, यूथ का एक शिवजी झा दुनिया से भागना चाहता है, वो विष्णु कैसे बने, हु इज ट्रस्टवर्दी एंड अंडरस्टैंड्स द शॉर्टकमिंग्स ऑफ लाइफ. कि सब ज्ञानी नहीं है, सबको ज्ञान नहीं है. हाउ डू यू डील विथ इनएडिक्वेसीज, हाउ डू यू डील विथ पीपल हु आर नॉट सो स्मार्ट, नॉट सो इंटेलिजेंट, और उतनी क्षमता है, उनकी क्षमता उतनी है, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगी, लेकिन उनकी कल्पना है कि वो पंडित हैं, आचार्य हैं, महाबली हैं, लेकिन आपको पता है कि कुछ नहीं है. यही बातें दर्शाते रहते हैं कहानियों में कि शिवजी जब रावण से बात करते हैं, उनको प्रेम होता है उनके साथ, कि इतना वेद का ज्ञानी, इतना एजुकेटेड मैन वैराग्य नहीं समझता. पढ़ने लिखने से वैराग्य नहीं होता. तो शिवजी उसको देख के, विल ही गेट एंग्री और विल ही स्माइल एट हिज चाइल्ड हु इज बीइंग सिली. दैट्स द जर्नी. और ये बातें भारतीय आख्यान शास्त्र में प्रस्तुत किया गया है. इसको आप साइकोलॉजी में नहीं मिलेगा. कहानियों के माध्यम से एक संस्कृति की संकल्पना कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसी को आख्यान शास्त्र कहते हैं. And that is what I do. This is what it is. So trust जो बात है, इतना powerful word है, इसका मैंने केवल एक बूंद उस क्षीरसागर से आपके सामने प्रस्तुत किया है, मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया. लेकिन you can feel the power of it. It's so beautiful. मधुर है. Makes you think, makes you wonder without threatening you. कुछ होता है दिल में, अच्छा लगता है. And then you get some ideas, you get some thoughts, and then you take things forward. And I hope this conversation of a few minutes has helped you think about trust, and you will make yourself all trustworthy. Thank you. Thank you. So maybe we can take a few questions, if that's okay. The gentleman there, if the mic can be passed on. Yeah. So can we take, can we get the mic, because then they can't hear the question. So one mic here and one mic there, please. If somebody can coordinate, it'll be nice. Yahan pe sir ko dijiye. So the mic here, and then I'll pass it on to you. No worries. Yeah. I believe you are MBBS doctor. Yes. What inspired you to take mythology as a subject and go on writing books on that? Money. देखिए सच बोलना पड़ता है. No, it's really, it was my interest. I used to do this in my free time. और मैं लिखता था आर्टिकल्स. आई नेवर रियलाइज पीपल वुड बी सो इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट. तो मैं, आई यूज टू वर्क इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. आई एम नॉट अ क्लिनिकल डॉक्टर. आई यूज टू वर्क इन द फार्मा इंडस्ट्री. और ये मेरा फ्राइडे सैटरडे को आई यूज टू राइट आर्टिकल्स, पब्लिश इट इन पेपर्स. बट अपॉर्चुनिटीज जस्ट केप्ट कमिंग. सो न्यूज़ पेपर्स वॉन्टेड टू पब्लिश माई कॉलम्स. पब्लिशर्स, आई हैव नेवर गॉन टू पब्लिशर्स. पब्लिशर्स हैव ऑलवेज कम टू मी कि आपको किताब लिखना है. तो अपॉर्चुनिटी आते रहे अपने आप. And I was surprised कि मेरी एक जिंदगी थी और ये मेरा एक हॉबी था, लेकिन जिंदगी decided something else. And whenever the opportunity came, I would say yes, 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 and things kept getting popular over time. It took 20 years. This is 20 years of work. So it just happened. ऐसे कोई plan तो नहीं था ये करना है. This was, as I said, it was just my ruchi, a private interest. But it has become a very public thing. So I am quite surprised. कि इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि देखो life तुम plan नहीं कर सकते. माई पेरेंट्स हैड प्लान कि बेटा MBBS होके डॉक्टर बनेगा. अब वो रामायण महाभारत की कहानियाँ बता के पैसे कमाता. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. लेट द जेंटलमैन देयर आस्क देन. या थैंक
you, Pattnaik ji. Jaisa ki aapne bhakti yog aur karma yog ke bare mein baat kari. तो अगर भक्ति योग की बात करें तो हमारे वांग्मय में कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं कि जो दे वर वेरी डीपली इनटू भक्ति. हमारे नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है कि भक्त आत्मा रामो भवति. तो आत्मा राम हो जाते हैं और उसी में ही रम जाते हैं. हमारे पास कई उदाहरण है, मीराबाई के उदाहरण है, नरसिंह मेहता के उदाहरण है. तो वो इस बैलेंस को बना नहीं सके. गृहस्थ में आने के बाद भी दे कुड नॉट मेक अ बैलेंस. तो लेकिन वो वर्ल्डली उसमें दे वर नॉट सक्सेसफुल. तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उस मार्ग को अपनाना चाहिए या एक बैलेंस बना के विष्णु की तरह चलना चाहिए? सी, नॉट सक्सेसफुल फ्रॉम हूज पॉइंट ऑफ व्यू? भक्त को पूछो ना. आप ऑडिटर हो बन रहे हो कि भैया उनका बैंक बैलेंस देखो, कुछ तो है नहीं उनके पास. जब तीर्थंकर की मूर्ति दिखाई देती है आपके सामने, जैन धर्म में तीर्थंकर की मूर्ति, वो तो कपड़े भी नहीं पहनते. अभी अगर आप इसको फाइनेंशियल दृष्टिकोण से देखो तो बोलेंगे इनके पास कुछ पैसा है नहीं, सो ही इज पुअर. लेकिन जिसको समझ में आता है तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट, दिगंबर का कॉन्सेप्ट, दिगंबर को आप गरीब नहीं बोलते. दिगंबर के पास ज्ञान का भंडार है, उसे धन की आवश्यकता भी नहीं है. तो दिगंबर को अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगो, यू नो, प्रमाण के हिसाब से, ही हैज नो वेल्थ, he has no property, he has no assets, so he's poor, he's a have not. तीर्थंकर को आप have not में डाल दोगे, because जो ज्ञान को हम measure नहीं करते ना, वैसे ही भक्ति को आप measure कैसे करोगे, जो सुख आया है. Imagine 24/7 you are happy. You are just happy thinking about Krishna. What's wrong with that? Because life में happiness चाहिए ना. लेकिन उनका भूख अलग है, आपका भूख अलग है. हर पेड़ पौधे का भूख अलग होता है, भक्त का भूख अलग होता है, कर्मयोगी का भूख अलग होता है. इसलिए अलग अलग तरीके दिए गए हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस इन दिस रूम आर डिफरेंट. सम नीड मनी, सम आर ऑब्सेस्ड विथ मनी. इट डजंट नेसेसरली मीन जिसके पास ऑल द मनी इन द वर्ल्ड ही इज हैप्पी, बट मे बी ही इज. सो एवरीबडी हैज डिफरेंट नीड्स. आप एक, you can't use one box and put everybody in that. आप मीराबाई नहीं हो, आप हो. आपकी यात्रा आपकी यात्रा है, वो पगडंडी आपको बनाना है. But we will use these examples to understand, okay, this is what she did, this is what he did. 2000 चाणक्य की तरीके, चाणक्य की writings में आपको भक्ति दिखाई नहीं देती. तो आप, कोई अलग बात है वहां पे, उनको तो भक्ति शब्द शायद पता नहीं होगा. तो अब किसकी राइटिंग्स पढ़ोगे? अब गुरुजी के पास जाओगे तो वो भक्ति के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाओ तो अर्थशास्त्र की बात करेगा, स्टेट क्राफ्ट की बात करेगा. कोई कामशास्त्र की बात, वत्स्यायन की बात नहीं करेंगे. कोई बोलेगा कि काम से ही प्रश्न सुख मिलता है, और जो नहीं बोलता है वो झूठ बोल रहा है. जिसने काम का अनुभव किया है उसे पता है उसका सुख क्या है, लेकिन उसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं आजकल. रंभा, उर्वशी, मेनका, उनका क्या, उनका भी एक शास्त्र है, वी डोंट टॉक अबाउट इट. वत्स्यायन जी ने लिखा था. तो एक तो भक्ति मार्ग है, एक काम मार्ग है, एक धर्म मार्ग है, अर्थ मार्ग है, अलग अलग मार्ग है. कुछ लोगों को मोक्ष चाहिए. इट इज अ बफे टेबल, इट्स अ खाऊ गली. भारतीय परंपरा अनादि अनंत खाऊ गली. आप डिसाइड करो क्या खाना है. कुछ खाओगे तो पेट पच नहीं पाओगे, और कुछ खाओगे तो मोक्ष प्राप्ति होगी. सो यू हैव टू डिसाइड. देयर इज नो वन सिंगुलर, दैट इज द यूनिक थिंग ऑफ आवर ट्रेडिशन. वी नेवर गिव वन आंसर, बिकॉज यू आर यूनिक, देयरफॉर द आंसर फॉर यू इज यूनिक. स्टैंडर्डाइजेशन मे बी एफिशिएंट इन कॉर्पोरेशंस बट नॉट इन इंडियन ट्रेडिशंस. या कैन द माइक बी ब्रॉट हियर एंड द सेकंड माइक टू द जेंटलमैन देयर. हेलो, आपने अभी कहा कि ब्रह्मा डिपेंडेबल है. नहीं, डिपेंडेंट. डिपेंडेंट है ब्रह्मा जी, डिपेंडेंट है. जबकि हम लोग शुरू से ही ये पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं कि ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि का निर्माण किया है, और उनके में, उनमें इतनी मानसिक शक्ति थी
तो जो वो मन से सोचते थे वो फिजिकल बन जाता था और इसलिए उन्होंने मानस पुत्रों का निर्माण भी किया था। तो जिस व्यक्ति में इतनी शक्ति हो कि वो मानस जो सोचने से भी फिजिकल बना सकता है, तो वो डिपेंडेंट कैसे हो सकता है? अच्छा, तो आपने पैसा कमाया और फिर जो पैसा कमाया है उसका आप दान कर सकते हो इमीजिएटली, जितना भी जो भी आप अर्न करते हो लाइफ में आप उसको इमीजिएटली किसी और को दे सकते हो। वेरी गुड, प्लीज एचआर डिपार्टमेंट नोट, नो नीड ऑफ बोनस, नो नीड ऑफ प्रमोशन, जस्ट पास इट ऑन टू अदर पीपल। ये बोलने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत लोग करते हैं भाई। ऑफ कोर्स, वो ब्रह्मा नहीं होते, बाकी सब ब्रह्म होते हैं। जो निर्माण करता है और जिसका निर्माण करके उसका हम भोग लेते हैं। मैं एक कवि कविता बनाता है और कविता को शोषण करता है, क्योंकि कविता से ही वो कवि बना, कविता से ही वो पैसा कमाएगा, कविता से ही उसको फेम मिलेगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक संकल्पना है। हम बच्चों को पैदा करते हैं और बच्चों को अटैच हो जाते हैं, उसको वो किसी और के साथ शादी करेंगे तो ऑनर किलिंग होता है, क्योंकि तुम छोड़ नहीं सकते हो यार, छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, बिकॉज एक बार हमने उसका निर्माण किया, हम उसको पकड़ के रखते हैं। ये भाव को ब्रह्म जी से जोड़ा गया है, शिव जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर कहानी है लोक कथा में, रावण जी आके उनके सामने रुद्र स्तोत्र गाते हैं और फिर कहते हैं कि क्या चाहिए? शिव जी कहते जो चाहिए दे दूंगा, कहते आपकी पत्नी चाहिए, ले लो, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट शिव जी को समझ में नहीं आता है, मेरी पत्नी का समझ उनको समझ ही नहीं है, वो दिगंबर है, उन जो दिगंबर है उसका मेरा कुछ होता ही नहीं है, तो मेरी पत्नी कहां से आएगी? तो पत्नी बोलती हाय मुझे सिखाना पड़ेगा इस भोलेनाथ को, जो तो भोलेनाथ है उसको समझ नहीं आता है, वो इतने हाई लेवल के पहुंच गए कि बोलते हैं कि पहाड़ से नीचे आइए प्लीज। और इसलिए विष्णु भगवान, आप विष्णु भगवान को जाके कि ये गेम नहीं खेल सकते ना, वो चंट हैं, आप चंट हो तो वो डबल चंट है, बिकॉज उनको पता है कि सामने आदमी अपने आप को शास्त्री समझता है तो मूर्ख, तो मूर्ख जब शास्त्री अपने आप को समझता है उसके साथ बात कैसे करें? तो ये इसलिए हमेशा विष्णु के चेहरे में हमेशा एक स्माइल होता है, ये आ गया, ये देख शास्त्री आ गया, और उसको वो नमन करेंगे, उसके पैर छुएंगे, उसको पता है ये किस कुछ समझ ना, आदि अनंत का ज्ञान नहीं है, जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं। ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ अटैचमेंट, शिवा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ अटैचमेंट, बट इफ यू डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग सोसाइटी गृहस्थी कैसे चलेगी? विष्णु इज भैया टाइम होता है अटैचमेंट होने का, टाइम होता है डिटैचमेंट होने का, गृहस्थ जीवन होता है, वानप्रस्थ होता है, देर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, एडजस्ट करो, हेंस प्रिजर्वर। सो वी डोंट इन इंडिया सेलिब्रेट द सक्सेसफुल मैन, इंडिया इज द वन कंट्री इन द वर्ल्ड वी हैव ऑलवेज गिवन दिगंबर को चक्रवर्ती के ऊपर रखा जाता है, चक्रवर्ती को दिगंबर के ऊपर कभी नहीं रखेंगे। इन द जैन शास्त्र देर आर थ्री लेवल्स ऑफ ग्रेट पीपल, देर इज वासुदेव, देन देर इज चक्रवर्ती, एंड देन देर इज तीर्थंकर। भारत में वी ऑलवेज एडमायर पीपल हु गिव अप थिंग्स, दैट इज अ यूनिक थिंग, आजकल दिखाई नहीं देता है फेसबुक में, सोशल मीडिया में, लेकिन यही हमारी आत्मा है, दिस इज वॉट विल सेव अस, जिसको हम लेट गो कहते हैं, छोड़ दो यार। रस्ते में झगड़ा भी जब होता है तो लोग बोलते हैं कि छोड़ दो, लेट इट गो, छोड़ दो, बड़प्पन दिखाओ, ये नहीं होता भारत में, तो बाय नाउ वी वुड हैव किल्ड ईच अदर, एवरी टाइम यू आर गोइंग टू कांदिवली थ्रू दैट मेट्रो रायट्स होते, हम लोग रिपीटेडली भारत में वो छोड़ दे यार, ये तेरा कर्म है, नरक में आ गए हैं, रहना पड़ेगा, 3 साल बाद स्वर्ग शायद होगा, गारंटी नहीं है लेकिन है, होप है। सो ये लाइफ है हमारा, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज अनफॉर्चुनेटली स्कूल कॉलेज और में नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाते, दैट्स द रीजन आई राइट दीज बुक्स। यस सर, द जेंटलमैन देयर। नमस्कार सर, मैं रामदास जाधव। आपके ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल है, जैसे ब्रह्मा हम जानते हैं क्रिएटर है, वी क्रिएट द डिफरेंट एज अ मैनेजमेंट, वी क्रिएट द डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स, डाटा एट्सेट्रा, और विष्णु जी को पालन करता कहते हैं, तो एज अ मैनेजमेंट वी
प्रिजर्व आवर कंपनी, रन द कंपनी. बाद में आए शिव जी, जो आपने कहा डिस्ट्रॉयर है, तो हम बुरी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो ये तीनों देवताओं की सारी अच्छी खूबियाँ हम सारे जन खोजने लगते, तो एक त्रिमूर्ति एक पैदा होता है, जो हमारे गुरुदेव दत्त कहते हैं त्रिमूर्ति भगवान को. तो अगर सारी अच्छाइयाँ ही हम रखें, तो हमें फिर करना कुछ नहीं है, तो आगे करना क्या है, तो ये हम जानना चाहते हैं. देखिए, मैंने कुछ और समझाया उन्हीं मूर्तियों को लेके. मैंने जैसे व्याख्यान किया और आपने जो कहा बहुत अलग है. तो मैंने नहीं कहा कि क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर. आप बोल रहे लुक एट द वे. अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, क्रिएटर आपने कहा अच्छी चीज़ें बताई, डिस्ट्रॉयर आपने सिर्फ कहा बुरा चीज़ों का. क्रिएटर को बुरा चीज़ क्यों नहीं कहा? क्रिएटर ऑल्सो गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स. प्रिजर्वर ऑफ गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स. ये जो आपने सेपरेशन, यहां पे आपने बुरा शब्द इस्तेमाल किया, पहले दोनों में इस्तेमाल नहीं किया. इसलिए जब मैं दर्शन किया तो मैंने कहा कि नहीं, ये इनकम्प्लीट है, अधूरा ज्ञान है. क्रिएटर क्रिएट्स. व्हाट डज ही क्रिएट? पता नहीं. क्रिएट्स, अभी अच्छा बुरा वो समय बताएगा. डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयज, अच्छा बुरा पता नहीं, वो तोड़ता रहता है. इसके बीच में भैया लाइफ ऐसे नहीं. तो जब क्रिएशन इज वेरी कामदेव एंड डिस्ट्रॉयर इज लाइक यमराज, दोनों को जोड़ने का काम विष्णु कर रहे हैं कि भैया दोनों वैल्यूबल हैं. वी ट्राई टू क्रिएट गुड थिंग्स बट वी ऑल्सो क्रिएट बैड थिंग्स. तो अमृत पाने के लिए हलाहल का जन्म भी होता है. तो शिवजी चाहिए ना हलाहल लेने के लिए, लेकिन फिर अमृत को भी वो डिस्ट्रॉय कर देंगे. इसलिए मुझे बैलेंस करना पड़े. शिवजी को लाना है लेकिन बैलेंस करना है. एंड एवरीथिंग इन योर जॉब, एवरी डे यू आर बैलेंसिंग, यू आर बैलेंसिंग बिटवीन डिसीशंस. ये स्ट्रगल होता है. आप क्या चीज प्रिजर्व कर रहे हो? एंड यू विल बी शॉक्ड एट हाउ मेनी पीपल प्रिजर्व नेगेटिव थिंग्स. घर के अंदर, ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं और डिस्ट्रॉय ही नहीं, पॉजिटिव एनर्जी को तोड़ते रहते हैं. घर के अंदर आप जाते हो तो आपको सुख शांति का, मांगल्य का माहौल दिखता है या कलह का माहौल दिखता है, उससे पता चलता है कि विष्णु काम नहीं कर रहा है. उसका चक्र चल रहा है, उसका गदा चल रहा है, ना शंख बज रहा है, ना कमल दिखाई दे रहा है. सो दिस कॉन्वर्सेशन, वो दिस इज टू अंडरस्टैंड दिस, कि क्रिएटर ऑल्सो क्रिएट्स नेगेटिव थिंग्स. कामदेव का जन्म ब्रह्मा ने किया है, कामांत का, कामदेव को डिस्ट्रॉय करने का काम शिवजी ने किया. लेकिन कामदेव को डिस्ट्रॉय करके तो दुनिया कैसे बढ़ेगी? तो देवी कहती है कि मैं कामाक्षी बनूंगी और शिवजी को सिखाऊंगी कि भैया ऐसे नहीं डिस्ट्रॉय करते. वो भभूत लगाते हैं तो बोलते कि चंदन भी लगाना सीखो. इसलिए भभूत बनाने के लिए आग इस्तेमाल होता है, चंदन बनाने के लिए पानी इस्तेमाल होता है. तो पानी चंदन लगा के विष्णु रूप में बैठते हैं वैकुंठ में. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड. तो ये जो सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, क्रिएटर प्रिजर्वर डिस्ट्रॉयर ऑफ बैड थिंग्स, ये पाश्चात्य एक्सप्लेनेशन है. कृपया भारत की तरफ आइए. यस, द लेडी देयर, वी विल टेक दिस एंड आई विल टेक द लेडी देयर. या एक्चुअली, वेयर डज इन लोका, वेयर डज इन योर स्कीम ऑफ थिंग्स, वेयर डज चार्वाकवाद और लोकायतवाद फिट? चार्वाकवाद इज फॉर मी नो डिफरेंट. इट इज जस्ट वैल्यूइंग प्रमाण एंड अविश्वास ओवर विश्वास, दैट्स ऑल. सो इट टिल्ट्स टुवर्ड्स जो दिखता है वही सत्य है. इट्स अ टिल्टिंग. सो देयर आर मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट इन इंडिया. दिस थॉट विच मूव्स टुवर्ड्स मटीरियल एंड डजंट वैल्यू द साइकोलॉजिकल. सो चार्वाक डजंट वैल्यू साइकोलॉजी. उसको प्यार समझ में नहीं आता है. हाँ हाँ, प्यार करते हो, पैसे दो. पैसे मुझे समझ में आता, प्यार मुझे समझ, बस पैसे को मैं मेजर नहीं कर सकता, सॉरी प्यार को मैं मेजर नहीं कर सकता. तो वो निर्गुण पसंद नहीं करता, वो सगुण पसंद करता है कि मेजरेबल है, दिखता है. तो आई लव यू एक्सप्लॉयटेशन का माध्यम भी हो सकता है ना. आई लव यू बट भैया पैसे तो दे. तुमने जॉब किया है, उसका पैसा कोई नहीं देता आपको. सो चार्वाक इज फोकसेस ऑन, इट्स वन स्कूल ऑफ थॉट विच टिल्ट्स टुवर्ड्स
the saguna and avoids nirguna, prefers the material, prefers the physical, and does generally shies away from the psychological and all things which cannot be measured. That's how it is. My question is, we have heard in Mahabharata ki yuddha maidan mein Bhagwan Shri Krishna Arjun ko bolte hain ki tumhare samne tumhare uncle khade hain, brothers khade hain, don't look at them from that point of view, you know. You have tumko apna shastra uthana hai aur unke upar you have to face them. So in a way he is telling them, don't use your emotions here, be detached. So wo uski karma bhumi hai. So he's, if we consider him, well, if you think that he's a professional there, he's detached. So is a professional in a corporate setup should remain detached to be focused on achieving his goals? I mean, how will you define a professional in this context? You have to tell me half the story. Okay, maybe this is an instance. Okay, the next fine. Part of the story is Arjun in Mahabharata war loses all his children. सब बच्चे मर जाते हैं. अभिमन्यु मर जाता है, द्रौपदी के बच्चे मर जाते हैं, वो निर्वंश होता है. तो कृष्ण तब भी कहते हैं कि इमोशंस को मैनेज करो. एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस. तुम राजकुमार हो, राजकुमार का एक धर्म होता है, लेकिन हर कार्य का एक परिणाम भी होता है. सो यू हैव टेकन अ प्रोफेशनल रोल. You have agreed to do a professional thing. You are controlling your emotions and managing, but it also comes with consequences. Wo bhi manage karna padega. Because if you are bhavuk at every level, remember companies work through avishwas, through process and systems. Yamraj ki duniya hai. A corporation runs on this. This is the balancing act. That's why it's called a professional. आपकी इच्छाएं, यू आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड अ प्रोसेस. दिस इज द वे इट इज डिजाइंड. लास्ट 100 ईयर्स कॉर्पोरेशंस हैव बीन डिजाइंड विदाउट एनी. जो कॉर्पोरेट एंटिटी है उसका दिल नहीं होता है, उसका सिर्फ सिस्टम होता है. दैट इज हाउ इट इज डिजाइंड. इफ यू हैव चोजन टू बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, यू हैव टू फॉलो द रूल्स. द ऑप्शन इज टू स्टेप आउट ऑफ इट. सो दिस इज समथिंग दैट इज विद द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज एक्सप्लेन्ड इन दिस वे, बट वी डोंट एक्सप्लेन वॉट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेज. या we'll take can this be the second last and then we'll take a last sir, question sir just one question just kai baar kya hota hai real life mein hum log logon se kehte hain ki hamare pe vishwas karo aur hum chahte hain ki log hamare pe vishwas kare ji matlab generally mere sath mein for example hota hai aur generally hum logon par vishwas bahut kam karte nahi karte hain to mujhe ye real life situation lagti hai तो इसको आप कैसे देखेंगे. और दूसरा मैंने देखा है कि विश्वास कुछ सालों में आता है, 3-4 साल के बाद में थोड़ा थोड़ा विश्वास आता है जी. लेकिन 4 साल में तो हमारी ट्रांसफर हो जाती है. बट ये दूसरी बात को हम जाने देते हैं. पहली बात ही मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है कि हम चाहते हैं कि लोग हम पे विश्वास करें और हम बहुत कम विश्वास करते हैं. देखिए तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. देखिए कॉरपोरेशन जैसे बनाया गया है वो विश्वास के माध्यम से बनाया नहीं गया. उसका आधार विश्वास नहीं होता, उसका आधार अविश्वास होता है. सरकार भी ऐसे चलती है कि एक जगह पे कोई एक आदमी बहुत दिन रुकेगा तो बहुत पावरफुल हो जाएगा. ये उनका अजम्पशन है. अभी सही है गलत है वो अलग बात है. अजम्पशन इज इफ अ मैन स्टेज इन वन लोकेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत पावरफुल हो जाएगा तो उसको हर 3-4 साल हटाओ यहाँ से. सो फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम्स दिस सिस्टम हैज कम. हम अभी भी उसको फॉलो करते हैं हमारा, लेकिन इससे राम राज्य का तो जन्म नहीं हुआ. लेकिन लोगों का अभी भी विश्वास है कि बिकॉज वी थिंक प्रोसेस इज मोर पावरफुल देन पीपल एंड दैट इज हाउ कॉरपोरेशंस एंड बिजनेसेस रन. वी आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम विच डजंट वैल्यू पीपल, इट वैल्यूज प्रोसेसेस. दैट इज व्हाई लीडरशिप प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. बिकॉज जो सिस्टम है वो सिस्टम आदमी को वैल्यू नहीं करता, वो एम्प्लॉय कोड को वैल्यू करता है. आपको नहीं देखता, आपके एम्प्लॉय कोड को देखता है, आपका लेवल को देखता है, आपके एक्सपीरियंस को देखता है, कौन सा ईयर आपने ज्वाइन किया उसको देखता है. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सोचता है, उसमें भाव नहीं होते, रस नहीं होता. ह्यूमन बीइंग्स विल ऑलवेज हैव डाउट. नाउ दिस डाउट, वी डोंट ट्रस्ट पीपल बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग आवरसेल्व्स ट्रस्टवर्दी.
I feel if you focus on making yourself trustworthy, automatically you will start learning how to trust people. This is something you have to learn. Because सामने वाले के ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे, क्या क्या सामने वाले आपके ऊपर विश्वास कर रहा है? दैट इज द मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज ये मेरे कंट्रोल में है. हाउ डू आई मेक माई सेल्फ ट्रस्टवर्दी इज अ फार मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देन डू आई ट्रस्ट अदर्स. सो दिस एंड ऑल्सो सिचुएशन के हिसाब से सो मेनी थिंग्स गो रॉन्ग, यू नो, थिंग्स जस्ट डोंट वर्क आउट. यू डोंट ट्रस्ट, यू sometimes decisions are taken not because they trust you but because the system demands you take those decisions. So I trust you but the system has told me to change this ring and this I have to and I'm following the system. To wo hota hai. So it is very nice as humans if we remind people ki bhaiya I have broken the contract, I have not broken the relationship. Many a times we make a mistake. When you are breaking a contract doesn't mean breaking a relationship. Breaking a contract is related to systems and processes. Breaking a relationship is dealt with emotions. इन दोनों को सेपरेट करना अच्छा होता है. या आई थिंक आई एंड विद दैट सर. जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम बैक बेंचर सर. बट देर इज अ फ्रंट. टिल नाउ देर वर वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन फ्रॉम फ्रंट बेंचर सर. इट मे लुक वेरी सिली क्वेश्चन बट आई टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रस्ट. जस्ट आई वॉन्ट टू नो योर व्यू दैट वॉट शुड वी ट्रस्ट दैट आफ्टर दिस रिटायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग और एनी क्रिएचर. Where we go? In this लोक ओनली हम लोग रहते हैं या कहीं और जाते हैं सर? आपका व्यू इसमें क्या है? On Sunday I have a different view, on Monday I have a different view. तो अभी सात दिन में कौन सा व्यू चाहिए बताइए, मैं उसके हिसाब से आंसर देता हूँ. Today is Saturday, sir. हाँ, so Saturday is weekend time. So I believe कि स्वर्ग शाम को होता है, नरक संडे सुबह आती है. Yeah, thank you so much. I'll wind up with this. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Thank you so much, sir. मुझे भी विश्वास है कि यहाँ उपस्थित सभी को आपका व्याख्यान बहुत पसंद आया होगा. Moving on. जिंदगी के भागदौड़ में कभी कभी कुछ पल का ठहराव भी जरूरी होता है और संगीत से ज्यादा शानदार और रूहदार चीज और क्या ही हो सकती है. यू मस्ट हैव ऑल गॉट. नाउ वी आर मूविंग टू आर सॉन्ग्स बाय आर इंडियन ऑयल कॉयर. इट्स टाइम टू कॉल आर ओन टैलेंटेड सिंगर्स ऑन स्टेज.